नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के धामपुर की, जहां आरसा महाविद्यालय की राष्ट्र सेवा योजना छात्र इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रवि धनखड़ के नेतृत्व में ग्राम सैदपुर वीरू और पीपला में किया गया। 7 दिवसीय विशेष शिविर कौशल विकास हेतु युवा थीम पर आधारित रहा। सर्वप्रथम कार्यक्रम अधिकारी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर राकेश कुमार को बुके देकर और स्वयं सेवकों ने सभी उपस्थित शिक्षकों को बैच लगाकर उनका स्वागत किया। प्राचार्य प्रोफेसर राकेश कुमार द्वारा माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद स्वयं सेवकों द्वारा लक्ष्य गीत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रवि धनखड़ द्वारा किया गया। पूर्व कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रमाकांत ने स्वयं सेवकों को राष्ट्र सेवा योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य को विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने बताया कि स्वयं सेवकों का उद्देश्य सृजनात्मक एवं रचनात्मक कार्य करना है तथा आपस में कार्य करके लोगों के बीच की समस्याओं को सुनकर उसका निवारण करना है। चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर शिवराज सिंह ने स्वयं सेवकों को एक यूनिट में रहने का आह्वान किया तथा छात्रों को कृषि से जुड़ी केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी का ग्राम पीपला में प्रसार करने हेतु प्रेरित किया। वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर SS कटियार ने छात्रों को कैंप के लिए शुभकामनाएं दी और राष्ट्र सेवा योजना के कार्य करने के लिए प्रेरित किया। प्राचार्य प्रोफेसर राकेश कुमार ने छात्रों को शिविर के दौरान अनुशासन में रहने व गांव के लिए सेवा भाव रखने के लिए प्रेरित किया। समारोह के बाद छात्रों ने गांव के प्राथमिक विद्यालय की सफाई कर वहां पर अपने रुकने की व्यवस्था की। राष्ट्र सेवा योजना छात्र इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर में डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर राजेश कटियार, डॉक्टर विवेक यादव, डॉक्टर अंकित कुमार, डॉक्टर आकाश, प्यारे लाल सिंह, धीरेन्द्र सिंह, नवनीत कुमार आदि मौजूद रहे। और इसी के साथ जुड़ रहे हैं बंधन समाचार के साथ।